आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी आने वाली है और बसंत पंचमी के दिन हर कोई बाबा श्याम के दरबार जाएगा और बाबा श्याम से मन्नत वगैरह मांगेगा। परंतु बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम को अपने घर में रहकर बाबा श्याम की पूजा आप कैसे करेंगे, बाबा श्याम को कैसे मनाएंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको बाबा श्याम की महिमा के बारे में पता चल सके। तो देखिए, वसंत पंचमी जो होती है वो माता सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती का इसी दिन अवतरण हुआ था। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, वो हमें ज्ञान देती, हमें बुद्धि देती हैं, तभी हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाते हैं, आप तक कह पाते हैं। अगर माता सरस्वती अगर हमें ज्ञान ना दे, बुद्धि ना दे, तो हम कुछ भी नहीं कर सके। अगर आपके पास सोचिए ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होगा और आपके सामने सोने की मोहरें रख दी जाए बहुत सारी, परंतु आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप उस सोने की मोहरे को करोगे क्या? उसे पत्थर समझ के इधर उधर फेंक दोगे। तो हर चीज के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज होती है कि अगर अच्छा और सच्चा ज्ञान मिले तो उससे आपका दिन और मन दोनों ही अच्छा हो जाता है। परंतु बहुत सारे ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, अगर हम उसको धारण कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें इस दिन बसंत पंचमी के दिन क्या करें जिससे माँ सरस्वती और हमारे बाबा श्याम हमसे इतने प्रसन्न हो जाए कि हमें इतना अधिक ज्ञान दे कि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सके और अपने दुखों से मुक्ति पा सके। तो इसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम की महिमा कितनी अपरंपार है। तो बसंत पंचमी से एक दिन पहले आपको अपने घर को पूरी अच्छी तरह से सजा लेना है, डेकोरेट कर लेना है, जैसे कि हम बाबा श्याम के जन्मदिन पर करते हैं। बाबा श्याम के हर त्यौहार पर हम अपने घर को सजाते हैं। हम अभी नए साल पर अपने घर को सजाए थे और बाबा श्याम का ध्यान किए थे। इसी प्रकार से आपको बसंत पंचमी से एक दिन पहले अपने घर को डेकोरेट कर लेना है और सजा लेना है। तो सजाओगे आप कैसे? जैसे कि नॉर्मली आपकी जैसी क्षमता है, हमारी अपनी जैसी क्षमता है, हमारा अपना जैसा बजट है, उस हिसाब से हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं सजाएंगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु कोई भी विशेष दिन होता है, विशेष त्यौहार होता है, तो उस दिन अपने आप को हम प्रसन्न रखने के लिए और अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन वगैरह आता है, तो आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए, उनके बर्थडे को विश करने के लिए आप उनके लिए केक लेकर आते हैं और उनके समक्ष उनसे केक को कटवाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है जब चार लोग आते हैं आपके घर में, उठते बैठते हैं और जब उनको विश करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो एक थोड़ा खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो हमें अपने आप को खुश रखने के लिए और बाबा श्याम को सबसे अधिक प्रसन्न करने के लिए ये सब तो करना ही चाहिए। तो अगर आपका जैसा भी बजट हो, आप अपने बजट के हिसाब से अपने घर को सजाइए। और सजाने में क्या है, आपको अशोक के पत्तों से, जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अपने घर में सजाने के लिए आपको अशोक के पत्ते से आप अपने घर को सजा सकते हैं। अशोक के पत्तों को मौली में बांधकर 7 पत्ते, 11 पत्ते, 21 पत्ते, इस तरह से आपको ऑड नंबर में पत्तों को अपने घर में मौली के धागे में लपेटकर अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना है। जहाँ जहाँ आपका मुख्य दरवाजा है वहाँ वहाँ पर आप उस पत्तों को लगा दीजिए। और जहाँ आपके बाबा श्याम बिराजते हैं, हमारे बाबा श्याम बिराजते हैं अपने अपने घरों में, वहाँ पे भी आपको डेकोरेट कर देना है। डेकोरेट किससे करना है? अगर आपके घर आपको अशोक के पत्ते नहीं मिल पाते तो आम के पत्ते लाकर आप अपने घर को सजा सकते हैं। आम के पत्ते भी उसी तरह से ऑड फिगर में लगाकर, मौली के धागे में लपेट कर, मौली के धागे में अलग अलग एक एक पत्तों को थोड़ा थोड़ा गैप करके आपको अपने घर को सजाना है, डेकोरेट करना है। देखिए, ये शुभता का प्रतीक होते हैं ये पत्ते। अगर आपके घर में इस तरह से रहेगा, अगर आप फूल वगैरह नहीं ला पाते हैं या आपके घर के आसपास फूल वगैरह नहीं मिलते, तो आप इस तरह से उन पत्तों को अपने घर में लगा सकते हैं। ये एक शुभता का प्रतीक है। माता सरस्वती का दिन है, माता बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, जिसके कारण से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। अगर आज माता मुझे ज्ञान नहीं देती तो मैं आपको नहीं बता पाता, नहीं समझा पाता। तो उसी प्रकार से आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने भगवान को प्रसन्न करेंगे और
आने वाले समय में आपके ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि आपके घर में सारे दुखों का अंत हो जाएगा और आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। तो बाबा श्याम को प्रसन्न कैसे करेंगे, इस तरह से आप अपने घर को पूरा अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन तो बसंत पंचमी है, उस दिन अगर आप करने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है आप लेट हो जाए। उनका भी एक शुभ मुहूर्त होता है बसंत पंचमी का, कि इतने देर से इतने देर आपको बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त होता है, उसी शुभ मुहूर्त में भगवान की आपको पूजा कर लेनी है अपने घर में। बसंत पंचमी तिथि जो होती है वो माघ महीने में पंचमी तिथि को लगती है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है। अब बात आती है कि इस दिन आप भगवान की पूजा कैसे करेंगे। आपने अपने घर को सजा लिया अच्छे से, आपने एक दिन पहले भोग बना लिया, और जो भोग बनाएंगे वो विशेषकर ये सोचिएगा कि पीले कलर का पकवान आप अपने घर में बनाएं, अपने घर का बना हुआ पकवान अपने भगवान को मंदिर में भोग लगाएं, अपने घर के मंदिर में भी भोग लगाएं, और जब आप मंदिर जाएं तो वहां पर भी भगवान को भोग लगाएं। और तो आपको विशेषकर ये ध्यान रखिएगा कि अपने लिए आपके पास अगर पीले कपड़े नहीं हैं आपके पास, तो आज आप पीले कपड़े मंगवा लीजिए, चाहे अपने घर के पास से मंगा लीजिए, चाहे आप कहीं से भी आप पीले कपड़े का व्यवस्था कर लीजिए। और अगर जो पुरुष है वो कुर्ता और पैजामा, यानी कि कुर्ता पीले कलर का पहनेंगे, पैजामा तो सफेद होता ही होता है, अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि आपको क्या पहनना है। ये जस्ट मेरा एक आइडिया आपको दिया जा रहा है जिससे आप समझ सकते हैं। तो इस दिन आप धोती या कुर्ता पहन सकते हैं या पैजामा कुर्ता पहन सकते हैं जो पीले कलर का होगा बसंत पंचमी के दिन, और जो नारी होती है यानी कि स्त्रियां होती हैं वो पीले कलर का साड़ी पहनना उनको अति आवश्यक है। भगवान की पूजा आपको, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को साथ में मिलकर भगवान की सेवा करनी होगी, पूजा करनी होगी, जिससे भगवान की आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। और अगर आप अनमैरिड हैं यानी कि आप पुरुष हैं और आप स्त्री हैं और आप स्टूडेंट भी हैं, आपको ज्ञान चाहिए विद्या चाहिए, तो उसके लिए आपको माता सरस्वती को सबसे पहले प्रसन्न करना होगा। माता सरस्वती की एक मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, या बाजार से आप एक मूर्ति लेकर आइए। जिस तरह से हम दिवाली में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार से बाजार में सरस्वती माता की मूर्ति मिलती है, वो सरस्वती माता की मूर्ति आपको अपने घर में लेकर आनी है और अपने घर के मंदिर में रख कर सरस्वती माँ की पूजा आराधना करनी है। माता सरस्वती को पीले कपड़े, पीले फूल और पीले पकवानों से माता सरस्वती को भोग लगाया जाता है, जिससे माता सरस्वती आपकी ज्ञानों में बढ़ोतरी करती हैं और बुद्धि विकास करती हैं। इस दिन आपको अपने कॉपी किताब, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी कॉपी किताबों की पूजा करनी चाहिए। जब आप माता सरस्वती की मूर्ति को विराजमान कर देते हैं तो विराजमान करने के बाद एक नया पेन आपको खरीदना है और एक 10 रुपये की हिंदी की कॉपी या जैसे भी कॉपी आपको खरीद लेनी है बाजार से, उस कॉपी को अपने घर में रखना है। आप चाहे तो मोटी कॉपी भी खरीद सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं और स्टूडेंट लाइफ में नहीं है तो एक मोटी कॉपी खरीद लीजिए, हिंदी की कॉपी खरीदिएगा। इसका क्या उपयोग करेंगे वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वो कॉपी खरीद कर वहीं पर रख दीजिए। माता की मूर्ति आपने खरीद ली है, कॉपी आपने खरीद ली है, लाल कलर का पेन खरीद लिया है। याद रखिएगा, जो लाल कलर का पेन खरीदेंगे उसको चला के नहीं देखना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिल्कुल एकदम निप लगा हुआ पेन जो होगा वो आप खरीदेंगे और खरीद के वहीं पर रख देंगे अगले दिन पूजा करने के लिए। उसके बाद ये सारी व्यवस्था हो गई, पीले कलर के फूल भी आप एक दिन पहले खरीद के रख लीजिए, अगर हो सके अगले दिन ना मिले, अगर मिल जाता है तो सुबह जो मुहूर्त होती है 7 बजे के बाद का ही मुहूर्त होता है, तो अगले दिन भी आप ताजे ताजे फूल खरीद के ला सकते हैं, या अगर आसपास गार्डन वगैरह में खिले हुए हैं पीले कलर के फूल वहाँ से तोड़कर भी ला सकते हैं। तो ताजे ताजे फूल भगवान को आप चढ़ाएंगे। तो ये सारा इंतजाम करने के बाद पकवान आपने एक दिन पहले बना के रख लिया है, या अगर उस दिन आपको हो सके टाइम नहीं मिले, जिस दिन बसंत पंचमी है तो हो सकता है उस दिन आपको समय ना मिले पकवान बनाने का, तो एक दिन पहले आप भगवान के लिए पीले कलर का कोई भी पकवान बना के रख लीजिए। अगर आपको पीले कलर का पकवान बनाना नहीं आता तो आप बाजार से, आपकी जो जान पहचान की जो ज़्यादा अच्छे दुकान है वहाँ से आप पीले कलर का पकवान लेकर आइए और माता सरस्वती को और बाबा श्याम को भेंट करेंगे। आप वो पकवान को बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं, परंतु देखिए वो शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए एकदम, जो भगवान को आप अर्पण करेंगे। अपने घर से बना हुआ शुद्ध तो कुछ होता ही नहीं है। अपने घर में अगर आप प्यार से पीले कलर का कुछ भी ऐसा पकवान बना लीजिए जो भगवान को अत्यधिक प्रिय हो, पसंद हो, अगर आप इस तरह से करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। जिसे गुड़ जानते हैं आप, गुड़ पीला भी आता है, लाल भी आता है, जिस तरह का गुड़ होता है आप गुड़ से बने हुए पकवान भी अर्पण कर सकते हैं, या हो सके तो आप मोदक वगैरह जो होती है, लड्डू वगैरह होती है जो पीले कलर की,
वो भी आप बना सकते हैं या आप बाजार से ला सकते हैं देशी घी का और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भोग वाली बातें। तो इतना सब करने के बाद जिस दिन आपका बसंत पंचमी का त्यौहार है, जिस दिन भगवान की पूजा करनी है, आपको अपने घर में सरस्वती माता की जो आप मूर्ति लेकर आए हैं वो कागज में लपेट के लाएंगे। जो मूर्ति होगी उसको ऐसे ही नहीं ले आएंगे। जब आप मूर्ति खरीद लेते हैं दुकानदार से, सबसे पहले देखिएगा वो मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिट्टी की बोल के प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पकड़ा देते हैं, वो नहीं लाना है। मिट्टी की मूर्ति छोटी भले ही छोटी लाओ, ज़्यादा बड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी पंडालों में लगाई जाती हैं, वहाँ पे लोग आते हैं विशेषकर, वो पूजा करते हैं। उसके बाद पूजा अर्चन होने के बाद मूर्ति की विसर्जन की जाती है। परंतु आप छोटी मूर्ति लाओ माँ सरस्वती की, छोटी लाकर उनको पुष्प वगैरह अर्पण करो अपने घर में। छोटी मूर्ति आप लेकर आए पेपर में लपेट कर, और जिस दिन भगवान की पूजा होगी उस दिन उस मूर्ति को विराजमान करके अपने घर के मंदिर में रखें, विराजमान करिए। आपके बाबा श्याम आपके समक्ष विराजमान है, मूर्ति माँ सरस्वती के विराजमान है, माँ काली और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है उस दिन। क्योंकि त्रिदेवियाँ हैं, तीनों देवियों की पूजा माँ वैष्णो के रूप में हम करते ही करते हैं। उस दिन विशेषकर माता सरस्वती का दिन है, तो माँ सरस्वती की तो आराधना आपको करनी ही करनी है। माँ सरस्वती की मूर्ति आप लाए हैं, मूर्ति को आप पेपर हटाइए, मूर्ति को फिर उसके बाद लाल कपड़ा वगैरह चौकी पर बिछा कर इस तरह से मूर्ति को विराजमान कर दीजिए। और जो जो सामग्री वगैरह होती है पूजा पाठ की, जिस प्रकार से पुष्प है, भोग है और धूप बत्ती है और दिया है, देसी घी का जो दिया है, वो भगवान के समक्ष प्रज्वलित करेंगे और माँ सरस्वती का मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ये मंत्र आपको 11 बार जप कर लेनी है। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस तरह से आपको जप करनी है मंत्र को 11 बार। आप माँ सरस्वती के मंत्र को जप करेंगे तो ध्यान रखेंगे, पूजा जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी तो आपके घर में पहले से विराजमान होंगे, तो गणेश जी की पूजा आप कर लीजिए। प्रथम पूज्य होते हैं वो, उनकी पूजा करते समय ओम गंग गंग गणपति यही नमः, इस तरह से आपको 11 बार मंत्र जितना भी बार भी आप जप करते हैं उतने बार आप जप कर लीजिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप अपने कुलदेवी का स्मरण करिए, उनका स्मरण करिए। वो उनका स्मरण करने के बाद, उनका मंत्र स्मरण करने के बाद आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। माँ सरस्वती की पूजा करिए क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, वही आपको ज्ञान देंगी। माँ सरस्वती के लिए जो भी आप फल वगैरह लेकर आए हैं, केला वगैरह जो पीले कलर का फल होता है, पपीता है, केला है और संतरा है, इस तरह से जो भी नारंगी वगैरह है, इस तरह के जो पीले पीले फल आते हैं, वो 5 तरह के फल ले आइए। मिठाइयाँ आपने अपने घर में बना ली है, बाजार से आप लेकर आए हैं, तो इस तरह से भगवान को वहाँ पर भोग अर्पण करेंगे सरस्वती माता। और हमारे बाबा श्याम तो सामने आपके विराजमान है, उनकी पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरह से मूर्ति की पूजा आपको करनी है, दीप प्रज्वलित कर देनी है। दीप प्रज्वलित करने के भोग माता को अर्पण कर देना है, भोग उनको अर्पण कर देना है। और जो कॉपी किताब आप लेकर आए हैं मोटी वाली, वो कॉपी किताब वहीं रखी रहेगी साइड में। कॉपी किताब के ऊपर भी आप फूल अर्पण कर सकते हैं, सरस्वती माँ को माला अर्पण कर सकते हैं। अगर आप फूल की माला लेकर आए हैं तो माला अर्पण कर दीजिए, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, नवेद चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता को तिलक कर दीजिए, पीले चंदन का आप माता सरस्वती को तिलक कर दीजिए। और साथ ही बाबा श्याम जो विराजते हैं, बाबा श्याम को भी आप अपने घर में पीले चंदन कर दीजिए, पीला चंदन का तिलक कर दीजिए। इसके साथ बाबा श्याम को भी भोग अर्पण करना है, जो पीले कलर का आप माता सरस्वती के लाए, जो माता सरस्वती को जो अर्पण करेंगे वो बाबा श्याम को वही चीज़ आपको अर्पण करनी है। क्योंकि सभी देवी देवता एक ही हैं, भगवान एक ही हैं। जो आपने अपने घर में समर्पण किया है, ऐसा नहीं है कि माँ सरस्वती के लिए अलग से पीले 5 फूल लाने हैं, पीले फल अलग लाने हैं, भगवान बाबा श्याम के लिए अलग फल वगैरह लाने, ऐसा नहीं है। जो फल आपने 5 फल फूल जो भी चढ़ाए हैं, माता सरस्वती को अर्पण किए हैं, वो सभी देवी देवताओं को स्मरण करके आपने वहाँ पर अर्पण किए हैं। उसके बाद जो भी मंत्र मैंने आपको बताए हैं उस मंत्रों का जाप कर लेना है। गणेश जी का मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, सरस्वती माँ का मंत्र बता ही दिया, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस तरह से आपको 11 बार जाप कर लेना है। उसके बाद बाबा श्याम का मंत्र जो आप जैसे जाप करते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस मंत्रों का आपको जाप कर लेना है। तो इस तरह से आप पूजा करने के बाद आपको भगवान की आरती वगैरह कर लेनी है। आरती वगैरह कैसे करनी है, जैसे आप करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद आपको माता सरस्वती की आरती करनी है। माता सरस्वती की आरती करने के बाद आपको बाबा श्याम की आरती करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी की आरती
करने के बाद भगवान को याद करिए, उनके जयकारा लगाइए, माँ सरस्वती से बोलिए कि हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, बाबा श्याम से क्षमा याचना करिए, कोई भी गलती हो गई, पाप हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए हमें क्षमा करें, बाबा श्याम हमारे साथ रहना, हमें बुद्धि देना, हमें ज्ञान देना, इस तरह से भगवान को समक्ष प्रार्थना करनी है। तो इस दिन आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर ये सारे काम करने हैं। सुबह सुबह कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उनके सारे काम सिद्ध होते हैं, परंतु अभी ठंड का समय है, बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते, कहने में तो सभी कोई कह देते हैं, परंतु कोशिश करिए इस दिन सुबह 8 बजे से पहले पहले आप पूजा कर लें भगवान की बसंत पंचमी के दिन। 8 ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे से पहले आप भगवान की पूजा अर्चना कर लें इस तरह से, तो भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। यही आपको आज बताना था, बसंत पंचमी के दिन आपको भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, तो इससे आपको भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अब मैं बात करने वाला हूँ, जो आपने जब आप पूजा कर लेते हैं भगवान की, जो माँ सरस्वती को आपने कॉपी वहाँ पे भेंट की है, वहाँ पे जो आप पेन लेकर आए हैं, कॉपी लेकर आए हैं, तो उनका क्या करना है? उनकी तो आपने उस दिन पूजा कर ली, और कहा जाता है कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान देती हैं, तो इस दिन आपको शब्द लिखने चाहिए, कुछ तो अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कॉपी में? तो उस दिन आप जो नई कॉपी और नया पेन लेकर आए हो उससे आप या तो श्री राम लिख सकते हैं, राम, सिर्फ राम लिख सकते हैं, राम को आपको, जो राम होता है वो राम को 108 बार आप, ये नियम बनाना होगा कि आपको उस दिन से आपको 108 बार राम नाम लिखना है उस कॉपी में, और 108 बार ऐसे कॉलम में बनाइए कि आपका 108 बार ऊपर और नीचे दो, एक पेज में दो बार 108 ऊपर आ जाए, 108 नीचे, आपके परिवार में कोई और भी लिख सकता है, तो मैं तो इसी तरह से राम नाम लिखता हूँ, तो आप इस तरह से राम नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राम नाम बहुत ही पसंद है, और राम नाम जो लेता है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। तो राम नाम जैसे हम मुंह से नहीं बोल पाते, किसी से नहीं बोल पाते, तो 108 बार नियम बनाइए कि किसी दिन भूले ना, और आप प्रतिदिन उस कॉपी में 108 बार राम, राम का नाम लिख सकते हैं, अगर राम का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः में कुछ वर्ड्स हैं, तो आप इस नामों को भी लिख सकते हैं, हो सकता है आप 11 बार नाम को लिख लीजिए, हर रोज एक कोशिश करिए। बाबा श्याम का ये मंत्र है, इसको तो हम वैसे जाप कर लेते हैं मन में, परंतु अगर आप लिखना चाहें तो 11 बार आप ओम श्री श्याम देवाय नमः, हर रोज एक नियम बनाइए कि सुबह के समय में ओम श्री श्याम देवाय आपको लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से करके आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। बसंत पंचमी, जिसे हम सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं, इस दिन ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। पेन को कैसे यूज़ करना है? जो रेड पेन होगा उस पेन से आपको और कुछ भी नहीं लिखना, जो आप राम नाम का शब्द लिख रहे हैं या तो वो लिखिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, भगवान के सारे मंत्र में शक्ति है, और अगर जप कर लेने से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है, हम तो ओम श्री श्याम देवाय नमः 11 बार हर रोज जप करते हैं, 21 बार भी जप कर लेते हैं, और जितना मन में आए उतना आप जप कर सकते हैं, कोई इसकी वो कंडीशन नहीं कि इतनी बार ही जप करनी है, दिन भर जप करो, रात्रि भर जप करो, आपकी इच्छा है। परंतु क्या है, राम नाम जो होता है वो हम मुझसे भी बोलते हैं, परंतु दो शब्दों का है राम, तो राम लिखने से आपको मिल जाएगा मोक्ष की प्राप्ति, और विशेष भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी, और आपके घर में जो भी दुख संकट या टेंशन बना हुआ है, मानो ना मानो, आप इस तरह से एक बार करके देखिए, इस साल में आपकी वो सारी टेंशन दूर होगी। और ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे, आपको पसंद आया, तो बाकी लोगों को बताइए, दोस्तों को बताइए, देखिए माता सरस्वती ने मुझे ज्ञान दिया, बाबा श्याम की प्रेरणा मिली, तो मैंने ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो आपके समक्ष है, थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बसंत पंचमी की आप सभी श्याम भक्तों को एडवांस में हार्दिक बधाई, आप सभी को माता सरस्वती, बाबा श्याम और हनुमान जी की कृपा मिल पाए, यही मेरी मंगल कामना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, भगवान की विशेष कृपा होगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।